प्रधानमंत्री मोदी ने आज बीजेपी और एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्रियों ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अपने राज्यों में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी दी। नई दिल्ली में हुई इस बैठक में 13 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस बैठक में 15 डिप्टी सीएम भी शरीक हुए और साथ ही कई एनडीए शासित राज्यों के डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को संदेश दिया और राज्यों में चल रही कल्याणकारी योजनाओं को सही ढंग से लागू करने पर जोर दिया। बैठक के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की। हमारी पार्टी सुशासन को आगे बढ़ाने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच संयुक्त समन्वय पर जोर दिया। INDIA गठबंधन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हुई। लेकिन ममता बीच में ही बैठक छोड़कर निकल आईं और आरोप लगाया कि उन्हें अपनी बात नहीं रखने दी गई। बैठक से निकलकर ममता बनर्जी ने कहा था कि उनका माइक ही बंद कर दिया गया। अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे ममता बनर्जी और लोकतंत्र का अपमान बताया है। ममता जी को बोलने नहीं दिया, ममता जी को अपनी बात रखने नहीं दी। पश्चिम बंगाल जैसी एक बड़ी राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह से अपमानित करता, उनका माइक बंद करना लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। तो वहीं एनडीए के नेता विपक्ष पर पलटवार कर रहे हैं और ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। ये बात बोलना सरासर झूठ है। जब कोई ये बोलता है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। ममता बनर्जी के आरोपों पर खुद नीति आयोग के सीईओ ने सफाई दी थी और कहा था कि ममता बनर्जी को जल्दी वापस जाना था, इसलिए बैठक छोड़कर निकल गई थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में बड़ा फेरबदल हुआ है। समाजवादी पार्टी के नए नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो गया और अखिलेश यादव ने अपना उत्तराधिकारी एक ब्राह्मण को बनाकर BAP कार्ड यानी ब्राह्मण अल्पसंख्यक और पिछड़ा का दाव चला है। और लखनऊ में हुई समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला लिया। वहीं महबूब अली को अधिष्ठाता मंडल की जिम्मेदारी दी गई, जबकि कमाल अख्तर मुख्य सचेतक बनाए गए। राकेश वर्मा को उप सचेतक बनाया गया है। इस सरकार ने इस प्रदेश में केवल समस्याएं ही पैदा की, तो इतनी समस्या है, जिन समस्याओं को लेकर हम लोग विधानसभा में लड़ेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद चुने गए, जिसके बाद यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। अगर माता प्रसाद पांडे की बात करें तो वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं और सिद्धार्थ नगर के इटवा सीट से विधायक हैं। यूपी में नेता प्रतिपक्ष की रेस में समाजवादी पार्टी से इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर और तूफानी सरोज भी चल रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने विधानसभा में अपना उत्तराधिकारी ब्राह्मण चेहरे को बनाया। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने नया नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व के साथ पूरी तैयारी कर ली है, जिसके चलते सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। अखिलेश यादव ने पार्टी विधानमंडल दल की बैठक की और योगी सरकार को मॉनसून सत्र में घेरने की रणनीति बनाई। तो वहीं सत्र से पहले यूपी सरकार ने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की और सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग मांगा। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र 29 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सरकार 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश कर सकती है, जिसमें 2025 महाकुंभ की तैयारी के लिए बजट मिलेगा। वहीं दूसरी ओर विपक्ष पेपर लीक, महंगाई, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। सदन में सबसे बड़ी समस्या है कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, बाढ़, वित्तीय समस्या, विद्यार्थियों की समस्या। वहीं विधानसभा सत्र को देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। विधानसभा की ओर जाने वाले ट्रैफिक का रूट डाइवर्ट किया गया है, साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सियासी संग्राम जारी है। जहां एक तरफ शिव भक्त कांवड़ लिए अपनी यात्रा पूरी करने में लगे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। इसी कड़ी में इत्तिहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीद रजा ने भड़काऊ बयान दिया है। तौकीद रजा ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, साथ ही उन्होंने कांवड़ यात्रा को नमाज और अजान से जोड़ दिया।
10 मिनट की नमाज आपको तकलीफ पहुंचाती है, 5 मिनट की अजान आपको तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन पूरे महीने का कावड़, पूरी व्यवस्था बदल दी जाती है, पूरे रास्ते बदल दिए जाते हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, यह न्याय है या अन्याय? तो वहीं तौकीर रजा के बयान का विरोध शुरू हो गया है। हिंदू धर्म से जुड़े लोगों ने उनके बयान पर एतराज जताया है। आप हमें बर्दाश्त कर रहे हैं क्या? हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप हमें बर्दाश्त कर रहे हैं? आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हम प्रार्थना करें? ये पहली बार नहीं है कि तौकीर रजा ने जहरीला बयान देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट विवाद के बीच यूपी के मुजफ्फरनगर में एक नया ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ सभी नॉनवेज होटल भी बंद है। साथ ही होटल मालिकों ने इन्हें बड़े बड़े पर्दों से ढक दिया है। इसके अलावा होटल के बाहर एंट्री गेट पर कंटीले तारों की बाड़बंदी कर दी है। नॉनवेज के जितने भी ढाबे हैं उन सभी के ऊपर ताला लटका पड़ा है, ताले की तो तस्वीर आप देख सकते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि कहीं पर पर्दों से तो कहीं पर यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से कंटीले तारों से इस पूरे होटल को इस तरह से ब्लॉक किया गया है। और दरअसल मुजफ्फरनगर के रास्ते हजारों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार जाते हैं, जिसके चलते यहां के नॉनवेज ढाबों ने ऐसा किया है ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। भाई ऐसा ढक दे, दरअसल मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा का एपी सेंटर है, यहां हजारों की संख्या में कांवड़ गुजरते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत ने पहला मेडल हासिल कर लिया है। 22 साल की शूटर मनु भाकर ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने इतिहास रच दिया। उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने मनु को बधाई दी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक जीतने के लिए कांस्य पदक के लिए बधाई। ये सफलता और भी खास है क्योंकि वो भारत के लिए निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। मेडल जीतने के बाद मनु के घर में खुशी का माहौल है। तीसरे मेडल पाना ओलंपिक में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जी। एक सामान्य ही परिवार से उठी है और इकोनॉमिक की तो कोई वो प्रॉब्लम आई नहीं कभी इकोनॉमिकल, लेकिन उसने हार्डवर्क बहुत किया है। आपको बता दें कि निशानेबाजी में मनु भाकर कोई भी मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। मनु भाकर का आज फाइनल मुकाबला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में था, जिसमें उन्हें ये ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वहीं मनु भाकर का ये दूसरा ही ओलंपिक है। उन्होंने पिछले यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में डेब्यू किया था, लेकिन 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड के दौरान उनकी पिस्टल खराब हो गई थी, इस कारण वो पिछली बार मेडल नहीं जीत सकी थी। मगर इस बार मनु ने अपना पूरा जोर दिखाया और किस्मत पर हावी होते हुए मेडल पर निशाना साध दिया। मुंबई का चाल शोभराज पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। ये ऐसा लुटेरा दूल्हा है जिसने अपने खर्चे निकालने के लिए दर्जनों शादियां की। इस दूल्हे का नाम है लखोबा, जो बसई इलाके का रहने वाला है, और इसने ऐसा कांड किया जो शायद ही किसी ने किया होगा। जराइम की दुनिया का ये वो लुटेरा है जिसका एक ही काम था, महिलाओं को अपने जाल में फंसाना और शादी की आड़ में उनका सब कुछ लूट लेना। लखोबा के कारनामे इतने बड़े हैं कि ये अब तक एक दो बार नहीं बल्कि 25 बार शादी कर चुका है। 2015 में लखोबा ने पुणे में 4 महिलाओं से शादी रचाई थी। जांच में पता चला है कि फिरोज नियाज शेख उर्फ लखोबा तलाकशुदा महिलाओं की तमाम वैवाहिक वेबसाइट में जाकर जासूसी करता था, फिर उन्हें शादी का प्रस्ताव देकर उनसे शादी रचाता था और फिर महिलाओं के गहने और रुपए लेकर फरार हो जाता था। 25-30 महिलांची अशा प्रकारे फसवणूक केलेली आहे। इस बार भी फिरोज नियाज शेख उर्फ लखोबा ने यही किया। उसने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए एक महिला से शादी रचाई और फिर महिला से कार और लैपटॉप खरीदने के नाम पर 6,50,000 रुपए लिए और गायब हो गया। जब लखोबा काफी दिनों तक घर नहीं लौटा तो महिला ने खुद को ठगा हुआ पाया, जिसके बाद महिला ने नाला सुपारा पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया और पुलिस को पूरी कहानी बताई, जिसके बाद पुलिस फिरोज नियाज शेख उर्फ लखोबा की तलाश में जुट गई। क्योंकि आरोपी काफी शातिर है इसलिए पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए खास जाल बिछाया। पुलिस ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर किसी महिला के नाम से एक फर्जी आईडी बनाई, फिर पुलिस ने लखोबा से महिला बनकर बातचीत की और उसे मिलने के लिए बुलाया। जब मुंबई के कल्याण में लखोबा पहुंचा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अटकेमध्ये आम्हाला 3.5 लाखाचा मुद्देमाल, त्यामध्ये चेकबुक, महिलांचे एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, 6 मोबाईल फोन्स असा मुद्देमाल आम्हाला मिळालेला आहे।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने और चांदी के गहने भी बरामद किए हैं। इसे मुंबई का चार शोभराज इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि चार शोभराज अजनबियों को धोखा देने, महिलाओं की हत्या करने और पूरे यूरोप और एशिया में पुलिस से बचने में माहिर था। चार शोभराज ज्यादातर पश्चिमी देशों के पर्यटकों को अपने जाल में फंसाता था, उनसे लूटपाट करता था और फिर उनकी हत्या कर देता था। और उसी रास्ते पर फिरोज नियाज शेख उर्फ लाखोबा भी चल रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके आतंक का अंत कर दिया।